गुरु को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान को नमन करते हुए और देश विदेश के पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए आज की जो मीटिंग हो रही है उसके प्रेसिडेंट और मंच पे बैठे मेरे बहुत सारे विद्वान साथी और खासकर दो ही महिलाएं हैं, इसलिए इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, एडवोकेट शशि बालाजी और भीम शेरनी राखी रावण। और मेरे सामने बैठी सम्मानित महिलाएं उनको भी नमन, बुजुर्ग साथी बैठे हैं उनको भी नमन, और जो जवान साथी और मेरे से छोटी एज के लोग हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूं, ये दो लाइन जिन जिन को आती हो मेरे साथ ही बोलना और नहीं आती तो बाद में बोल लेना, याद कर लेना। बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पित कर दी जिंदगानी, की आंखों को उसने पानी, जरा याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, की आंखों को जिसने पानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना, जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। कहोगे जय भीम तो बोलो जय भीम, मेरे से तगड़ी आवाज आपकी होनी चाहिए, जय भीम। दोस्तों, अभी 1956 आगरे का जिक्र आया कि बाबा साहब मीटिंग ले रहे थे और 1956 में ही उनका परिनिर्वाण हो गया था, यानी कि बहुत बुजुर्ग थे, लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, लाठी के सहारे चलते थे। और जब वो लाल किले के सामने मैदान में भाषण दे रहे थे तो बहुत सारे लोग चले भी गए और उन्होंने बड़ा दुखी मन से एक बात कही, बहुत दुखी मन से, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों कहा उन्होंने ये बात? उन्होंने इसलिए कहा, शायद वो बात वहां कह नहीं पाए पूरी, कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, बल्कि लिखे पढ़े लोग थे, जो ब्राह्मणों ने लिखा वो तुमने पढ़ लिया, बाबा साहब ने जो लिखा वो नहीं पढ़ा, नहीं बाबा साहब का लिखा पढ़ते तो वो ये रोने की बात नहीं करते और ये नहीं कहते कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उनके समय में 16-17 लोगों को विदेश भेजा गया, अंग्रेज सरकार ने 3 लाख रुपए, बाबा साहब ने सेंक्शन कराए 3 लाख रुपए, और उन 3 लाख की मदद से 16-17 लोगों को बाहर भेजा गया पढ़ाई के लिए। और जब वो पढ़ के जहाज से वापस आ रहे थे तो उन्होंने पूछा, बाबा साहब क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नाला को क्या मैंने तुम्हें इसलिए भेजा हाँ कि मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करें? अरे समाज सेवा करो, बुद्धिजम के लिए काम करो, पढ़ाई के लिए काम करो, जो हमारे वसूल है संविधान, ऐसे ऐसे काम करो। तो दोस्तों, काश वो पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसी नौबत ना रहती कि बाबा साहब रोते। दूसरी बात ये, अभी एक बाबा साहब ने पूरी जिंदगी वो नारा दिया, बात कही, स्लोगन दिया, वो सब जानते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ के रखता हूं, थोड़ा सा, इसलिए नहीं कि बाबा साहब नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं उसमें जोड़ता हूं। मैं कहता हूं शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ। आपके पास पैसा है, बच्चों की फीस दो, गरीब बच्चों की, आपके पास समय है, आप ट्यूशन दो,
उनकी किताब खरीदो ताकि आपका जो गरीब समाज है वो भी पढ़ने का काम ठीक से कर सके। गलत है सही है? मैं तो कर रहा हूं, आप करो, मैं तो सब तरह से करता हूं। और शिक्षित बनने के बाद है संकित रहो। भाई मुझे हाथ उठा कर बता दो, सिख किस लिए संकित है? सिखों का संगठन किस लिए मजबूत है? क्योंकि वो धर्म है उनका, धर्म के नाम पर संकित है। मुसलमान किस लिए संकित है? धर्म के नाम पर संकित है। और ईसाई किस लिए संकित है? धर्म के नाम पर संकित है। आरएसएस वाले किस लिए संकित है? धर्म के नाम पर संकित है। भाई तुम्हारा कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदू धर्म में तो चार वर्ण है और तुम तो अछूत हो, पांचवें नंबर में तुमने लपेट कर रखा गंदे से गंदे काम करने के लिए, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो। और जब हिंदू नहीं है तो बाबा साहब ने कहा हम पुराने बौद्ध हैं, इस देश के बौद्ध हैं, इसलिए जिस दिन तुम लोग बौद्ध बन जाओगे संगठन आप ही आप आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। बौद्ध बनना है और यही बाबा साहब का संकल्प है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वप्न है, स्वप्न मत बोला करो। बाबा साहब सोते हुए स्वप्न देखते थे, वो सोता हुआ कोई भी आदमी स्वप्न देखता वो कभी पूरा नहीं हुआ करता। बाबा साहब ने संकल्प किया कि मैं इस भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। बौद्ध में कैसे बनाएंगे? बौद्ध में बाबा साहब कैसे बनाएंगे? पहले हम बाबा साहब को जानेंगे, बाबा साहब को मानेंगे और फिर हम बौद्ध में बाबा साहब के कहे के अनुसार हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। पहले हम बनेंगे। और ये हम की बात भी छोड़ो, मैं बनूंगा, कोई बने ना बने। मैं एक बात कहा करता हूं हर मीटिंग में, इस बात को कहने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हमने भारत के 12 राज्यों में बिहार राजस्थान से लेके आपके पंजाब और हरियाणा तक और बीच का जितना क्षेत्र है, मैंने और राखी रावण ने करीब 1300-1400 मीटिंग ले चुके हम लोग 1300-1400। और जो हम बात कह रहे हैं आपको बिल्कुल बाबा साहब की बात कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब को हमने 400 साल मैंने पढ़ा है और अंग्रेजी में पढ़ा है। उस टाइम तो हिंदी में उनके ग्रंथ नहीं थे, ये जो अभी 21 वॉल्यूम निकले भारत सरकार के पहले इंग्लिश में हुआ करते थे, तो वो मैंने पढ़ा। तो मैं एक एक बात बाबा साहब की कहूंगा और बाबा साहब की ही बात को मानूंगा। तो संगठन यदि अच्छा बनाना है तो आपको बुद्धिज्म अख्तियार करना पड़ेगा और ये जाति बिरादरी और ये वर्ण व्यवस्था को, हिंदू धर्म को, मनुस्मृति को लात मारनी पड़ेगी। जब तक तुम लात नहीं मारोगे तब तक तुम बाबा साहब के मानने वाले कहीं नहीं जाओगे। मैं तो नहीं कहूंगा, चाहे कोई कहर चाहे ना कहे। और जाति तोड़ने का काम भी तुम्हें करना है। ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने 5 शादियां की अपने घर में और 5 शादी मैंने की बिना किसी जाति पूछे। मैंने कहा जो मेरी जाति थी भाई उसमें तो मैं करूंगी, बाकी किसी में करूंगी। इसलिए जाति तोड़ने का काम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संघर्ष करने से पहले 2 लाइनें कही थी कि आप लोग अंतर जातीय विवाह और अंतर जातीय खान पीन में विश्वास करो ताकि हमारा खून का मिक्सिंग हो, और जब खून का मिक्सिंग होता है और बुद्धिज्म का मिक्सिंग होता है, एक विचारधारा बनती है, तो सबके विचार एक जैसे होंगे और हमारा संगठन बहुत बढ़िया बनेगा। ये आपको करना है। तीसरी बात है संघर्ष करो। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा हाथ उठा के बताओ किससे संघर्ष करना है? अपने आप से करना है तो तुम्हारे से करना है? किससे करना है संघर्ष बहनों? ना, बाबा साहब ने कहा मनुवाद से संघर्ष करना है, मनुवाद से। और मनुवाद का मतलब है जाति और वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो भी चीज आधारित है हमें उसके साथ लड़ना है, संघर्ष करना है। इसलिए बाबा साहब की बात को हम लोग मानेंगे। फिर बाबा साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास जितनी डिग्री थी इतनी कोई किसी आदमी के पास ना हुई ना अब है और आगे होगी इसकी भी उम्मीद नहीं है। और उनकी 8 डिग्री तो मुझे भी याद है, आप भी मेरे साथ बोल सकते हो, बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, बारेटला, एनएलएलडी, 8 डिग्री तो मुझे याद है। और कई डिग्री में उन्होंने पीएचडी जो है की, जो उनको मानक भी मिली और की भी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि 14 डिग्रियां उनके पास थी, 14 डिग्रियां। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे और सबसे ज्ञानवान इंसान थे। अब आप ये पूछ सकते हो भाई जो पढ़ा लिखा है वही ज्ञानवान होगा? ना, बिल्कुल ना।
मैंने पीएचडी किया, लेकिन मेरी बहनों में से, मेरे भाइयों में से कई लोग ऐसे जिनका ज्ञान मेरे से ज्यादा है। भाई क्या कबीरदास पढ़े लिखे थे, क्या रविदास जी पढ़े लिखे थे, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे। इसलिए बाबा साहब ज्ञानवान भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए शिक्षित का मतलब होता है ज्ञानवान बनना। और बाबा साहब ने इसके ऊपर एक लाइन कही, वो बहनों आप याद रखना, जितनी मेरी यहाँ बहन बेटी बैठी हैं उनको याद रखना, अज्ञानता आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानता यानी ज्ञान का ना होना, अज्ञानता आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा होता है। आज मेरे भाइयों में जो अंधविश्वास है, जो ऐसी परंपरा देवी देवताओं की चल रही है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की मान्यता मान रहे हैं, जो लोग हिंदुओं के त्योहार मना रहे हैं, वो अज्ञानता के कारण मना रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने एक बहुत आसान तरीका उसका निकाला, सब लोग सुन लो जरा। मैं प्रधान वैज्ञानिक भारत सरकार से रिटायर हुआ, भारत सरकार का प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मेरे पास है, और मैंने 10 साल तक एमएससी और पीएचडी को पढ़ाया। मेरा लड़का अभी सेक्रेटरी है, पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में डीएम रह चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे घर से आया था जहाँ खाने पीने के लिए लाने पड़ते थे। भाई सूखी रोटी भी यदि चटनी से मिलेगी तो मैं कहता था आज बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन मैं आज हवाई जहाज में घूमता फिर रहा हूँ। किसके कारण घूमता फिर रहा हूँ? बाबा साहब की बात मान के और बाबा साहब के आशीर्वाद से। और मैंने अपनी पीएचडी में भी लाइन लिखी है कि आज मैं जो कुछ हूं, आज मैंने जो 2.5 साल के अंदर पीएचडी की है, जो एक जनरल कैंडिडेट भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ बाबा साहब की ताकत है और बाबा साहब की प्रेरणा है जिससे मुझे पीएचडी मैंने लिखा। और मेरा गाइड भी ब्राह्मण था, और मेरा गाइड तो राजपूत था, और जहाँ एक्सटर्नल चेकिंग के लिए जाते हैं वो ब्राह्मण था। लेकिन दोनों ने इतनी तारीफ की, भाई तुम एक इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे आदमी आए हो जिन्होंने बाबा साहब के बारे में लिखा कि हमें ये प्रेरणा बाबा साहब से मिली, बहुत तारीफ। मैं आपसे कहता हूं तो दोस्तों, मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला इस बात का? मैंने सॉल्यूशन निकाला, मैं वैज्ञानिक हूं, हर एक आदमी वैज्ञानिक नहीं बन सकता। मेरे से ऊंचा बन सकता, लेकिन वैज्ञानिक हर एक आदमी नहीं बन सकता। तो क्या करो, वैज्ञानिक सोच रखो। अब वैज्ञानिक सोच क्या है? क्या मैं इस काम को करूं, पहले करूं या ना करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं? और सबसे बड़ा सवाल जो मैं अपनी बहन बेटियों से कहा करता हूं, मैं इस काम को क्यों करूं? आज ये कसम खा के जाओ, तुम आधे तो आज बाबा साहब के मानने वाले बन जाओगे यदि मेरी बात से सहमत हो। भाई जब भी कोई काम तुम्हें करने हो, कहे चाहे दादा कहे, माँ कहे, दादी कहे, बुआ कहे, कोई भी कहे कि ये त्योहार मनाना है, ये पूछ या मैं माता पे जाना है, या मंदिर पे जाना है, या जो इसकी देवी देवता की पूजा करना है, तो पहले ये पूछ लो कि मैं इसकी पूजा क्यों करूं। आसान है कि नहीं है? तो इस काम को आप कर सकते हो। बाबा साहब ने बहुत शॉर्ट में, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस समय काफ़ी लगेगा, और राखी रावण को सुनना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह भरती है, दूसरे लोगों को भी संविधान के बारे में बहुत बताती है, इसलिए ज़्यादा समय हम इनको देंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। 1931 और 1932 में गोल में सभा हुई लंदन में, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन हुई, और वहां बाबा साहब ने ये ठोक बजा के कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। और यदि गलती से भी एक बार बाबा साहब ये कह देते कि मैं और मेरे लोग हिंदू हैं, तो आपको एक भी स्पेशल राइट, आपकी अलग से पहचान, आपको आरक्षण एक भी नहीं मिलता जो संविधान में बाबा साहब ने डाला, संविधान में डाला। ये कह के कि आप हिंदू नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूं। तो बाबा साहब की यदि तुम मानने वाले हो आप लोग, तो भैया ये बात सबसे पहले मान लो, आधी बीमारी आपकी कट जाएगी। इस बात को मानना बहुत जरूरी है। अब आप ये, मैंने एक दिन सोचा ये बात सुनने की, भाई जितने जवान लोग यहाँ बैठे हैं और जितने कार्यकर्ता बैठे हैं इस पे भी, मंच में भी, सब लोग सुन लो, इसे जाके दूसरे लोगों को बताया करो। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने पढ़ा तो बहुत बाबा साहब को, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि बाबा साहब ने कहा क्यों कि मैं मेरे लोग हिंदू नहीं। कोई तो बेस होगा, बाबा साहब तो ऐसे नहीं कहते, कोई चीज बिना पढ़े कहते नहीं, बिना बेस के कहते नहीं, बिना कारण के कहते नहीं, और वो तर्क लगाने वाले महान महानुभाव थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया
कि 1910 के अंदर 1910 आगा खान जो मुसलमानों का नेता था, आगा खान और हमारे कुछ सोशल वर्कर वो अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको एक सेंसस करानी है, जनगणना करानी है। जनगणना कैसी होनी चाहिए? जो धर्म के ऊपर आधारित हो, ये पता चले कि हिंदू कितने और बाकी धर्म के लोग कितने, तो कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अंग्रेज मान गए बाबा साहब के दूसरे लोगों की बात, आगा खान की, और उन्होंने कहा 1910 में एक जागरण जनगणना की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस की। उस सेंसस के 10 सवाल ऐसे थे जो हम पे और दूसरे लोगों पे लागू होते हैं, लेकिन 5 सवाल डायरेक्टली हमारे ऊपर लागू होते हैं। जरा वो सवाल सुन लो, जो मेरे उम्र के लोग हैं, मेरी 70 साल उम्र है, यदि आपको याद हो, आपके बुजुर्गों की बात याद हो, जरा सुन लो, सुन आज उसको याद दिलाता हूं मैं आपको। पहला सवाल उस सेंसस में ये था हमारे लिए, क्या आप ब्राह्मणों से, क्या ब्राह्मण आपका पुरोहित है, क्या ब्राह्मण आपके पुरोहित होते हैं? 100 के 100% अछूत लोगों ने, हमारे लोगों ने कहा ब्राह्मण हमारे पुरोहित नहीं होते। दूसरा सवाल, क्या आप मंदिर के गर्भ में जा सकते हो? और मंदिर का गर्भ होता है जब मंदिर की मेन मूर्ति लगी हो, तो हमारे 100 के 100% लोगों ने कहा करें मंदिर में जाना तो दूर की बात है, पहली बात तो इनके मंदिर में एक बोर्ड लगा रहता था कि अछूतों को और कुत्ते को मंदिर में घुसना मना है, इसलिए हम छू भी नहीं सकते थे। मंदिर में गर्भ की बात को छोड़ दो, हम जा नहीं सकते थे, इसलिए हम नहीं जाते थे, हमारे पुरखे नहीं जाते थे। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था, क्या ब्राह्मण से मंत्र लेते हो? हमारे लोगों ने कहा जब हम ब्राह्मण के घर जा ही नहीं सकते तो हम उनसे मंत्र कैसे ले सकते हैं। चौथा सवाल था कि क्या आप अपने आपके संस्कार यानी शादी विवाह जन्म जागरण अगर वगैरह ब्राह्मणों से कराते हो? तो हमारे लोगों ने कहा, बुजुर्ग लोगों ने कहा, आज के अंधों ने नहीं कहा, अंधे नहीं थे वो लोग, वो बताने सच बन बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा अरे ब्राह्मणों से संस्कार कराना तो दूर की बात है, हम ब्राह्मणों के मोहल्ले तक में नहीं जा सकते, ब्राह्मण हमारे मोहल्ले में नहीं आते, हम इनसे संस्कार कैसे करा सकते हैं, इसलिए वो बात भी मना हुई। और जो पांचवा जो सवाल था, बड़ा खतरनाक सवाल था, सुन लो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप बीफ खाते हैं? यानी जानवर का कटले पटले जितनी भी चीज होती है, गाय, क्या तुम उसका मांस खाते हो? तो हमारे लोगों ने कहा हाँ, हम मरे हुए जानवर का मांस अशोक के समय से खाते आए हैं। ये 5 सवाल बाबा साहब ने बेस बनाया ये कहने के लिए कि हम हिंदू नहीं है। आज के बाद कोई पूछेगा कहां से बात आए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बात वहां से आई। दोस्तों अगली बार बताने के लिए, यावला नाम सुना है? यावला नासिक में 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। और उन्होंने उससे 1956 तक यानी 21 साल सब धर्मों का अध्ययन किया, और उसके बाद 1956 में 14 अप्रैल 1956 में उन्होंने बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षा ली। धर्म परिवर्तन नहीं, दीक्षा ली। ये तो हमारा पुरखों का धर्म था, इसलिए हम इसको ठीक से दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेते समय उन्होंने हमारे लोगों से 22 प्रतिज्ञाएं कराई। वो 22 प्रतिज्ञा बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, उन्होंने जितने देवी देवता सबको ना मानने की शपथ आप लोगों को दिलाई, ईश्वर नहीं है ये मानने की शपथ दिलाई, भाग कुछ नहीं होता ये मानने की शपथ दिलाई, ईश्वर नाम की कोई चीज कोई इस दुनिया में नहीं है ये बाबा साहब ने आप लोगों को बताया। तो अब क्या समस्या आ रही है? हम रोज नारे लगा रहे हैं कि बाबा साहब की जय हो। अरे बाबा साहब को तो मानने का काम कर रहे हो आप लोग। यदि आप हिंदू हो, यदि आप देवी देवताओं को मानते हो, यदि हिंदू धर्म को मानते हो, यदि इनके
पूजा पाठ करते हो, यदि इनके त्योहार मनाते हो, तो आप बाबा साहब को मानना नहीं, मारने का काम कर रहे हो। जिस दिन आपने छोड़ा, हिंदू धर्म को छोड़ा, उसी दिन आप बाबा साहब को मानना शुरू करोगे। अभी तो बाबा साहब को जानते भी नहीं हो। तो इसलिए बाबा साहब, दूसरी बात ये कि लड़ाई किस चीज की है, आज भी और पहले भी बाबा साहब के सामने लड़ाई किस चीज की थी बताइए। लड़ाई है मान सम्मान की। 60-70 पीढ़ियां हजारों साल से कच्चा पक्का मांस खाते खाते इस दुनिया से चली गई। लंगोटी लगाते लगाते हमारे बाप दादा चले गए, कमर पे डंडे खाते खाते हमारे लोग चले गए, झोड़ का गंदे से गंदा पानी पीते पीते चले गए, लेकिन मरे नहीं। हमारी बहन बेटी की इज्जत हमारे सामने लूटती रही, लेकिन ना हम हथियार उठा सके और ना कुछ कर सके, लेकिन मरे नहीं। मरते तो हम कैसे पैदा होते। चाहे उनके पास कुछ था या ना था, पर दोस्तों एक चीज ना थी जो तुम्हारे पास भी ना, यदि तुम हिंदू हो तो। मैं दावे के साथ कहता हूं, और वो है सम्मान। बाबा साहब का संविधान सम्मान आपको दिलाने के लिए बनाया गया है, और यदि आपका सम्मान नहीं है तो आप में जानवर में फर्क नहीं है। यदि मैं आज से डॉक्टर सहेरा ये कहे कि मैं हिंदू होने में गर्व महसूस कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं ब्राह्मण हूं? नहीं हूं। बोलो, क्या मैं ब्राह्मण हूं? नहीं हूं। क्या मैं बढ़िया हूं? नहीं हूं। क्या मैं अक्षत्रिय हूं? नहीं हूं। क्या मैं शूद्र हूं? नहीं हूं। मैं अछूत हूं। बाबा साहब ने कहा हमें अछूत बनाएगा बुद्धिस्टों को, इसलिए तो मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने उसको अछूत लोगों को अपने गंदे काम कराने के लिए पांचवें नंबर पे डाल दिया, जिस ओर कह दिया अति शूद्र। क्या कह दिया? अति शूद्र। तो दोस्तों हम कहां हैं? यदि मैं हिंदू धर्म में रह रहा हूं और हिंदू धर्म को कहता हूं मेरे हिंदू धर्म को मानने से मेरा मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया या मुझे गर्व है, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं पांचवें नंबर का नीच हूं। गाली लगी, लगी गाली, गाली गाली लगी, और ये बाबा साहब ने दिया आपको, यदि आप मानो तो पढ़ लेना। गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। मैं ये तो नहीं कहता मेरे जितना पढ़ा लिखा बाबा साहब को किसी ने नहीं पढ़ा, पर मैं ये गारंटी देता हूं बहुत कम लोगों ने इतना पढ़ा जितना मैंने बाबा साहब को पढ़ा। यदि मैं ये कहूं मैं हिंदू हूं, तो मैं ये कह रहा हूं मैं पांचवें नंबर का नीच हूं, और बाबा साहब की लड़ाई सम्मान के लिए। तो सम्मान और नीचता क्या दोनों मिला सकते हो? दोनों में से एक छाट लो। यदि नीच रहना तो मैं हिंदू बने रहो, और यदि सम्मान चाहिए तो आपका बुद्धि जम आ जाओ। ताली तो बजा दो इस बात को, थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों मेरी बात खत्म होने के कगार पे है। जो हम गांव गांव गए, मैं राखी रावण, जो हमने 1400 मीटिंग के करीब गांवों में ली, और जो हमने देखा उसके आधार पे कुछ और चीजें जो हमने देखी वो हम आपको बता देते हैं। पहली बात, हम लोगों को शराब से पीछा छुटाना पड़ेगा, नशे से पीछा छुटाना पड़ेगा। जब तक आप नशा करते रहोगे आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते, ये मान के चलो। दूसरी बात, आपको छोटा परिवार रखना पड़ेगा। देखो यदि मैं पर्सनल कोई बात कहता हूं तो हमारी राखी भी ऑब्जेक्ट करती है, और भाई ऑब्जेक्शन करना भी चाहिए क्योंकि ज्यादा पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, पर ये बात मुंह पे आ ही जाती है कभी ना कभी। मेरा लड़का जो डीएम रहा 5 जिलों में, उसका एक बच्चा है, एक बच्चा, और मैंने एक दिन गलती से उसे ये कह दिया बेटा दूसरा बच्चा हो जाए तो क्या हर जाए, तो उसने कहा पापा मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता, सीधा ठोका। और फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कहा यदि ये मर जाए तो, उसने कहा मेरे समाज में कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, हजारों लाखों करोड़ों हैं, किसी को भी गोद लेकर मैं बादशाह बना दूं, राजा बना दूं। तो दोस्तों जब तक आपके घर में कोई ऑलरेडी जितने बच्चे हैं वो तो ठीक है, आज के बाद एक बच्चे के बाद यदि तुमने बच्चे बनाने बंद किए तो बट डेफिनेटली तुम लोग तरक्की कर रहे हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी जमीन है। एक गांव में हम गए, हमने कहा कितनी जमीन है, जमींदार कौन है सबसे बड़ा? उसने कहा 50 बीघे का जमींदार ये रामपाल बैठा हुआ है। मैंने कितने बच्चे हैं? 8-9 है। 50 बीघे का जमींदार, 8-9 बच्चे, कितनी आए एक के हिस्से में? 9 से भाग कर दो, 9×5=45, 5.5 बीघे कभी करीब आए, और यदि उनके 5-5, 6-6 होने लगे तो कितनी आए बताओगे?
और बीच में कोई शादी पड़ गई तो फिर फूट फूट बेचना पड़ेगा, एक बीघे दो बीघे बेचना पड़ेगा, तो तुम्हारी जमींदारी तो निकलने वाली है दो तीन पीढ़ियों में। और क्या तुम्हारे पास बिजनेस है? नहीं। क्या तुम्हारे पास फैक्ट्री चल रही है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? सरकारी नौकरियां मिलनी बंद हो रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का हमारे भाई ने अभी जिगरा आपसे किया था, वो भी मिलनी बंद हो रही है। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे जैसे है ना, ऐसे बिचारे सड़क पर आएंगे भीख मांगेंगे, और भीख की लाइन तो लग चुकी है। गवर्नमेंट ने इंतजाम कर रखा मिड डे मील का, माँ ये कहे कटोरा लेके जा तू खा गया, और हो सके तो थोड़ा सा मुझे भी लिया, तो उसे भीख मांगना सिखा रहे। और भाई जितने मंदिर हैं दूसरों की बस्ती में आप देख लो या सड़क के किनारे देख लो, भाई एक भी ब्राह्मण यदि वहां कोई खड़ा हो लाइन में तो मेरा नाम बदल देना, एक भी कोई जाट या कोई ब्राह्मण या कोई बढ़िया या ठाकुर खड़ा, सब सारे चमार चुड़े हम लोग जो है खड़े, हम खड़े हैं। मैं अपने को ही साला बोलूं, आप बोलो, मेरी जुबान से निकला गंदी गलत बात है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन हमारे जैसे लोग भिखारी हैं। बाबा क्या नाम जिनका अभी जन्मदिन गया 15 तारीख को, माननीय कांशीराम जी, उन्होंने कहा हर वक्त हाथ ऐसे ही फैला रहेगा, ऐसे ही फैलाते रहोगे, आरक्षण दे दो, पैसे दे दो, वोट भी दे दो, फलाना दे दो, ढिमाका दे। उन्होंने कहा यह हाथ ऐसे होना चाहिए, और ये हाथ ऐसे जब होगा जब तुम्हारे पास कुछ होगा। और यदि तुम्हारे पास ना संस्कृति है, ना धर्म है, ना शिक्षा है, ना पैसा है, तो तुम्हारा हाथ तो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटा परिवार आपको बनाना बहुत जरूरी है, और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। जितने गांव में हम गए, मैं आपको गारंटी से देता हूं, या यहां बच्चे हाथ उठा के मुझे बताएं, हमने ट्वेल्थ की स्पेलिंग पूछी, ट्वेल्थ मीन 12वां, आपको यकीन नहीं आया 99% गाँव में ट्वेल्थ की स्पेलिंग नहीं बताएंगे। फिर क्या पढ़ रहे हैं भैया हम? जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी स्पेलिंग तक नहीं आती तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार भी दो, उन्हें पढ़ाई का इंतजाम भी करो, उनको बैठ के पढ़ाओ, शराब में मत डूबे रहो। शराब पीते हो, इन बहन बेटियों की ज्ञान गर्दन पे मारते हो, इनकी चुटिया फाड़ते हो, इनको गाली देते हो, बच्चे कैसे संस्कार सीखेंगे? तो अगली चीज ये कि अंधविश्वास, जो हमारे राखी रावण भी और बहुत सारे लोग इस बात को कह चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं दोहराऊंगा, जितना अंधविश्वास हम लोगों में है वही हमारी गिरावट का कारण है। देखो जो मेरी उम्र के या मेरे से बड़े लोग हैं वो एक बात सुन लो और अपने घर वालों को बताना जाके, जब हमारे घर ब्राह्मण आता ही नहीं था और हमारे घर देवी देवता होते ही नहीं थे, अब कैसे आ गए तुम्हारे घरों में देवी देवता? इन लोगों ने देवी देवता आपके घरों में भेज दिए, पर क्या आपके देवी देवता आपने उनके घरों में भेज दिए? रविदास को भेज दिया उनके घरों में, कबीरदास को भेज दिया उनके घरों में, बाबा साहब को भेज दिया उनके घरों में, बुद्ध को भेज दिया उनके घरों में। अरे तुम्हारे देवी देवता को तो लात मारते हैं और तुम उनके देवी देवताओं को सिर पे बैठाते, और यदि देवी देवता में कुछ ताकत होती तो तुम अब तक गरीब ना होते। इसलिए दोस्तों अकल से काम लो, बाबा साहब के क्या नाम है सिद्धांत में चलो, संविधान की रक्षा करो और साइंटिफिक सोच रखो। मुझे इतना समय मिला, मैं भाई देवेंद्र जी का और यहाँ के जितने भी लोग संयोजक हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने इतनी देर मुझे सुना, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।